अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अरकम न्यूज HD। मैं हूं नादिया अनवार। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। तुर्की और शाम में जलजला अमवात 41,000 से तजावुज कर गई। कहरामान मराकस कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। तैयब अर्दगान का कहना था कि जलजले की ताकत एटम बम जितनी बड़ी थी। जनूबी तुर्किया में लाखों इमारतें नाकाबले रिहाइश। शाम में इमदादी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार। अकवामे मुत्तहिदा की 397 मिलियन डॉलर्स की इमदाद की अपील। हुकूमत का मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस ना लाने का फैसला। मिनी बजट आज पार्लियामेंट से मंजूर होने का इम्कान। वफाकी काबीना से मंजूरी, कौमी असेंबली सेनेट इजलास तलब। मुतअद्दिद अशिया पर GST की शरह बढ़ाने का फैसला। मशरूबात, सिगरेट, फिजाई टिकट्स पर टैक्स लगेंगे। लग्जरी अशिया पर भी टैक्स ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज। वफाकी काबीना से सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने के फैसले की तौसीक। इमरान खान की दहशतगर्दी और ममनुआ फंडिंग अबूरी जमानत की मुद्दत तौसी। इमरान खान की अबूरी जमानत में तौसीक हो गई या नहीं, फैसला आज होगा। दोनों अदालतों ने इमरान खान को आज पेशी का आखिरी मौका दिया था। वादी नीलम में अड़ंग खेल तक सड़क खोल दी गई। खेल से ग्रीस वैली की सड़क खोलने का काम जारी। पेशावर जलमी की सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स पर फतह। कराची किंग्स के कप्तान अमाद वसीम की 80 रन की इनिंग रायगा हो गई। पेशावर जलमी ने 199 रन बनाए बाबर आजम की 68 रन की इनिंग। केडमोर के 6 छक्के और 7 चौके, 50 गेंदों पर 92 रन बनाए। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए अरकम न्यूज HD।